गुड आफ्टरनून मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। नो मैम।
Okay, so when we talk about any energy efficiency, then energy efficiency means कि जो भी रिएक्शन आप डिजाइन कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से एनी स्टूडेंट इज डिजाइनिंग अ रिएक्शन, देन ही और शी शुड फोकस ऑन नॉट यूजिंग एनी टेम्परेचर रेजिंग और एनी हीट, ठीक है, या फिर प्रेशर ना देना पड़े उस पर्टिकुलर रिएक्शन को, ठीक है. नेचुरल जो एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, इस पे रिएक्शन आप कंडक्ट कर लो, ठीक है. द अदर फैक्टर दैट वी हैव टू सी इज डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स, जिससे कि ये एक्सीडेंट्स मिनिमाइज हो सकें, ठीक है. तो इसमें एक एग्जाम्पल था, एक केस स्टडी थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ठीक है. तो दैट वी रेड देयर, अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं किसी रिएक्शन में, देन द ओनली फैक्टर दैट हेल्प्स यू फिगर आउट वेदर अ रिएक्शन इज ग्रीन और नॉट इज एटम इकोनॉमी, ठीक है. तो एटम इकोनॉमी के लिए वी येस्टरडे वी रेड कि एक साइंटिस्ट है बेरी ट्रॉस्ट, ओके. सो ही डिजाइन अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एटम इकोनॉमी. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया है. सो इन द अपकमिंग क्लास आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बोर्ड, ठीक है. तो जब आप ये सारे स्टेप्स या प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेते हैं, देन ओनली यू कम टू अ रिएक्शन विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. And there are methods to be followed, like you should use green reactants, green reagents and solvents. So when we talk about tools of green chemistry, then green starting material, green reagents, green reaction, green methodologies, chemical products and zero waste technology. Ye sare steps hain. Basic principle, 12 basic principles hain aur tools ya methods hain. So let's talk about green starting material first. कन्वेंशनल तरीके से जो एक पुराना या कन्वेंशनल मीन्स पुराना, सो कन्वेंशनल वन एग्जांपल हैज़ बीन गिवन फॉर ग्रीन स्टार्टिंग मटेरियल, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड, ओके. सो एडिपिक एसिड इज़ बेसिकली एसिड दैट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लास्टिसाइजर्स एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है. दिस इज़ वॉट इट्स गिवन हियर. कन्वेंशनली क्या होता था कि एडिपिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए एज शोन इन द इमेज बेंजीन वॉज यूज, ठीक है. तो क्या होगा, बेंजीन की अपनी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं. एनी मटेरियल दैट इज एबल टू कॉज कैंसर और कॉज म्यूटेशन इन योर जेनेटिक प्रोफाइल इज कार्सिनोजेनिक, ठीक है. चाहे वो डीएनए को म्यूटेट करे, आरएनए को म्यूटेट करे, या फिर किसी टाइप की सेल म्यूटेशन करे. बिकॉज व्हाट इज कैंसर, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है. तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि इस प्रोसेस को एनहांस करता है या इनिशिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्सिनोजन, कार्सिनोजन. सो बेंजीन इज कार्सिनोजन और कार्सिनोजेनिक, ठीक है. कैंसर कॉजिंग means carcinogenic. Same way, so when we look at the reaction, we see that there are several steps involved in synthesis of adipic acid. The byproduct that is released is your nitrous oxide. So क्या है by जो दोनों ही products हैं, जो initial product है here benzene और जो final byproduct है, दोनों ही problematic हैं. They're given the reason that first one is carcinogenic and the other one has got a potential for greenhouse effect on environment. So what a green chemist did, he changed the whole these steps. He changed the starting material and came to a solution which was environment friendly. ठीक है, तो क्या किया? Green synthesis of adipic acid is done by using D-glucose, dextrorotatory glucose. So when we talk about dextrorotatory एंड लीवो रोटेटरी, तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको अगर राइट में ट्विस्ट करेंगे, दैट मीन्स इट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है. सो ये जो डी ग्लूकोज है, नॉर्मल ग्लूकोज यू कैन से, डी ग्लूकोज को रिएक्ट किया एंजाइमेटिकली एस्टेरिशिया कोलाई ने. एस्टेरिशिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया. ग्लूकोज इज सी, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, देन वी विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. पहले इसको समझ लेते हैं. तो डी ग्लूकोज जो है वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपाउंड है. यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो कार्सिनोजन था. नेक्स्ट
जो कैटलिस्ट है निकल एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे आर फ्रॉम अ केमिकल सोर्स, ठीक है, बट यहाँ पे एक बायोलॉजिकल नॉन हैजार्डस सोर्स यूज करिए एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया इकोलाई को लेकर के दे हैव थ्रू दी स्टेप्स, फर्स्ट कैटलिस्ट इज इकोलाई, सेकेंड कैटलिस्ट इज ऑल्सो इकोलाई, लास्ट में दे हैव टेकन वन कैटलिस्ट विच इज अ प्लैटिनम एंड हाइड्रोजन, बोथ आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, सो जस्ट हैव अ लुक एट इट. जबकि जो कन्वेंशनल केमिकल मेथड था उसमें यू आर यूजिंग प्रेशर 370-800 PSI, 120-140 PSI, और कैटलिस्ट भी बहुत सारे हैं, निकल एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कोबाल्ट है, देन दे नीड कॉपर ऑल्सो, नाइट्रिक एसिड, बट वेन द रिएक्शन वॉज चेंज इन टू अ ग्रीन रिएक्शन दे फोकस्ड ऑन सिंप्लीफाइंग इट टूवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली डायरेक्शन. सो वॉट डिड दे डू, दे रिड्यूस द स्टेप्स, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड एंड ओनली यूज्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉन हैजार्डस केमिकल्स, और जो फाइनल प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट वो सेम है, एडिपिक एसिड यहाँ पे भी है एंड एडिपिक एसिड इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, बट दिस पर्टिकुलर कन्वेंशनल मेथड रिलीज्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्टिंग गैस और अ ग्रीन हाउस गैस, ओके, सो दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नॉट सीन हियर. इस रिएक्शन में, इस ग्रीन मेथड में ये प्रॉब्लम या ये बाय प्रोडक्ट वॉज नॉट सिंथेसाइज्ड. So this is the basic focus of any green chemistry. It might look, agar ek chota sa sample 1 gram 2 gram synthesize karna hai, to this might look as a simple thing. Theek hai? But when we talk about large scale industrial manufacturing or synthesis of such chemicals like adipic acid, at that point of time one has to realize that the chemicals here and this gas here are problematic and one should focus on not using them. Okay, so this is the starting material D-glucose is non-toxic and can be derived abundantly from renewable sources like starch, cellulose. So glucose to is a basically a carbohydrate, so it can be obtained from breaking complex carbohydrates. Theek hai, complex carbohydrates kaun se hote hain, starch hai, cellulose hai, theek hai, these are your complex carbohydrates, but glucose, fructose, galactose, ye sab आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो दिस ग्लूकोज इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट. फ्रुक्टोज क्या होती है? फ्रुक्टोज इज द स्वीटनेस दैट इज फाउंड इन योर फ्रूट्स, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, बट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन दे हैव यूज्ड डी ग्लूकोज. सो आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड कि ग्रीन केमिस्ट्री का काम क्या है. इट टारगेट्स ऑन रिमूविंग hazardous chemicals and byproducts. ठीक है, green reagents. When we talk about green reagents, then we have the focus on using the reagents which are green in nature. So one example is given. Green reagent is the one that reduces or eliminates the generation of hazardous substances in the design and manufacture of chemical products like dimethyl carbonate, DMC. Reagents are termed green when they are non-toxic, give maximum atom economy. Byproducts formed are non-toxic and environment friendly, easily available. So, agar MCQs mein question aata hai ki state the points or the, you know, the keys that define a reagent as green. So, one should be able to check into these four points. नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मैक्सिमम एटम इकोनॉमी अवेलेबल हो, बाय प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी नॉन टॉक्सिक, जैसे कि इस केस में देर वॉज नो बाय प्रोडक्ट. ओके, सो दिस पर्टिकुलर रिएजेंट हियर इज अ ग्रीन रिएजेंट, ठीक है, बट हियर दिस बेंजीन इज नॉट अ ग्रीन रिएजेंट बिकॉज इट्स रिलीजिंग अ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट एज सेज द पॉइंट नंबर 3. ओके, सो मिथाइलेशन रिएक्शंस यूजिंग डीएमसी. सो व्हाट इज डीएमसी? डीएमसी इज डाइमिथाइल कार्बोनेट. द फॉर्मूला इज गिवन हियर. सो कन्वेंशनली मिथाइलेशन, तो स्टूडेंट्स पहला जो वर्ड है मिथाइलेशन का मतलब क्या है? मिथाइलेशन मींस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप का एडिशन,
ठीक है. व्हाट इज मिथाइल ग्रुप? मिथाइल ग्रुप इज CH3. वी ऑल नो मिथाइल ग्रुप इज दिस हियर. दिस CH3 इज योर मिथाइल ग्रुप. सो एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इनटू अ पर्टिकुलर कंपाउंड गिव्स इज कॉल्ड एज मिथाइलेशन. ठीक है. सो कन्वेंशनल मिथाइलेशन रिएक्शंस वर कैरीड आउट यूजिंग मिथाइल सल्फेट और मिथाइल हाइलाइडर. बट देर वॉज अ मेथड डिजाइंड बाय अ साइंटिस्ट. What did he do? He developed a method to methylate, activate methylene compounds using DMC carbonate. Okay, so DMC carbonate का हमने यहाँ पे dimethyl carbonate already nomenclature and your structure has been provided for your understanding. So what is happening? Now this particular reaction is showing you addition of methyl group in this particular formula and दिस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड. सो जो दोनों कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो आपका मिथाइल ग्रुप दिस मिथेनॉल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है. एंड वॉट वी हैव गॉट मिथाइलेशन हियर इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3 एट 100 degrees Celsius. सो बेसिक फोकस इज टू सिब यूज अ रिएजेंट विच इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर. सो दिस पर्टिकुलर डाइमिथाइल कार्बोनेट इज non-toxic in nature, whereas जो पहले use करते थे methyl sulfate, that was toxic in nature. Okay, so the next step is, next example that we have given is green synthesis of styrene. So conventionally styrene was synthesized using benzene in Friedel-Crafts alkylation. So what was happening? Benzene in itself is a carcinogen. So green synthesis of this particular styrene. Styrene क्या होती है? Styrene is the foam. ठीक है, दैट यू यूजुअली सी पॉलीस्टायरीन. स्टायरीन जो कंपाउंड है उसको अगर पॉलीमराइज करेंगे, आई विल ऐड द इमेजेस इन द नेक्स्ट क्लास. पॉली दिस स्टायरीन इज पॉलीमराइज टू गिव यू पॉलीस्टायरीन विच इज अ फोम. ओके, सो आई विल ऐड द पिक्चर्स हेयर. सो पॉलीस्टायरीन के दिस स्टायरीन के केस में क्या है कि कन्वेंशनल मेथड्स में दे वर यूजिंग बेंजीन. So this guy Chapman, what did he do? He simplified the step into a single process and used a simpler compound, which is your toluene. So toluene, when it reacts with methanol, then it gives you styrene. This is a formula for styrene. So xylene is basically the cheapest source of aromatics and more environment friendly than your benzene. So these are the basic examples. You can add any other example of your knowledge to suffice your answer or to support your answer. ठीक है, तो इसके अलावा ये xylene, styrene, इनके अलावा अगर आपका styrene synthesis के अलावा कोई आपको reaction अपने से समझ में आता है तो आप वो as an example add कर सकते हैं. But the basic concept is to use chemicals that are green in nature. तो उसको support में this two methods are given. First is your synthesis of this compound, that is methylation and use of dimethyl carbonate, and the second one is synthesis of styrene. Okay, so the next reaction is turning the reaction into a green reaction. So a reaction that follows the principles of green chemistry by using reactants with less hazardous compound, which are less hazardous for environment, exhibit higher atom economy and reduced by byproducts. Okay, reduced byproducts. So basically green reaction kya hai? Sari everything comes down to environment friendly. Ye jo chapter hai students, iska teen major points hain. First is environment friendly. जो भी आप यूज कर रहे हो, रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, एवरीथिंग शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. सेकेंडली एटम इकोनॉमी शुड बी हाई. ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है. थर्ड, जो बाय प्रोडक्ट है या तो वो बने ही नहीं, और अगर वो बन रहा है तो इवन दैट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. दिस शुड बी योर फोकस व्हाइल डिजाइनिंग अ पर्टिकुलर रिएक्शन. सो वेन वी टॉक अबाउट आइब्रूफेन, जो आप ब्रूफेन मेडिसिन बहुत सारे मेडिसिन में अवेलेबल होता है या एडेड होता है. सो कन्वेंशनली दिस वॉज सिंथिसाइज यूजिंग अ सिक्स स्टेप प्रोसेस विद एटम इकोनॉमी ऑफ 40.1%. ठीक है, बट BHC कंपनी ने
there was one company which is called Your Boots Company in England in 1960. They synthesized it, and they took used six steps to synthesize this particular compound, which is called as ibuprofen. But green synthesis mein, by a different company, which is your BHC, what did they do? They reduced to it to a single step or three step process and increased the atom economy to 77.4%. So as per the principle, atom economy agar high hai, so that means ki aapka jo reaction hai wo green hai. Theek hai? So we will focus on atom economy and go through the slides again. But for the understanding, because aaj abhi class thoda late start hua, I am just scrolling through these slides. So just let's have a look at the next slide. Green reaction, synthesis of methyl metha acrylate. So when we talk about methyl metha acrylate, it's used for synthesis of large number of polymers. ठीक है, तो इसका एक बहुत vast application है polymer industry में. Conventional methods से जब ये synthesize करते थे, इस particular methyl acrylate is given here. Conventional methods से जब synthesize करते थे, तो hydrogen cyanide is used, which is highly poisonous. ठीक है, so and it also exhibited a lower atom economy, which is your 47%. So green method was Shell company. Shell company is a very renowned company. So they found out a different method, a green method for synthesizing methyl metha acrylate. And what did they do? They reduced the amount of catalyst. They changed the catalyst and made it a one step single process. तो जो तीन स्टेप की प्रोसेस थी, पहले इसको ये प्रोडक्ट सिंथेसाइज करो एंड देन फिर फाइनल आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा मिथाइल मेथा एक्राइलेट. व्हाट डिड दे डू? दे यूज टू रिएजेंट्स, यूज्ड अ कैटलिस्ट एंड डायरेक्टली सिंथेसाइज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड मिथाइल मेथा एक्राइलेट. और एटम इकोनॉमी 100% है. ठीक है, सो दिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस इन विच दे यूज प्रोपाइन. दिस इज योर प्रोपाइन and used carbon monoxide and methanol in the presence of palladium to give you methyl metha acrylate. So ye dono examples, whether it's ibuprofen or this methyl metha acrylate, company ke name bhi provided kiye hain just to make you understand ki industrial level pe green chemistry kitni critical hai. Theek hai, it saves your cost of production, it saves environment as well as your yield is also increasing because your atom economy is high. Methyl metha acrylate ke case mein atom economy is 100%, jabki jo ibuprofen ka case hai usme it was increased from 40 to 77%. To atom economy badh rahi hai, environment friendly reagents hain, by products form nahi ho rahe. Yahan pe koi by product form nahi ho raha hai, dono mein nahi tha, but it had the poisonous catalyst. Okay, steps were long, but in the second case catalyst is also a noble metal and the step is a single step. So is type ke reactions agar aap design karte hain, focus karte hain, so this talks about your green chemistry. So I will end the class here. We will we'll have another class today. So during that time, we will not discuss the slides, these slides. We will solve the numericals based on atom economy. ठीक है, यहाँ पे जो terms है 100% atom economy, 47% atom economy, इसका क्या मतलब है and what is the significance, that we are going to do in the next class. ठीक है, ये numericals हैं, ये slide मैंने आपके साथ share कर दी है. So इसको अपने end पे ओपन करके रखना, बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स टूडे एंड आई विल ऑल्सो शेयर सिंपल असाइनमेंट रिलेटेड टू दीज न्यूमेरिकल्स विच यू विल हैव टू सॉल्व एंड सेंड. ओके, तो एटम इकोनॉमी अच्छे से समझ लेना इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई एंड द क्लास हियर. यू कैन हैव योर लंच ब्रेक. ओके.